तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। आज का वीडियो बहुत ही क्रिस्प रखेंगे और जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आईफोन लेना है और आपको एक अच्छे डील में लेना है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट मैं नीचे से चालू करता हूँ 11, 12 मिनी, 13 एंड उसके बाद राइट। सो 11 अगर आप लेना चाहते हो, विच इज़ अ बैकडेटेड फोन नाउ, बट सिंस इट्स एन आईफोन, iOS है, काफ़ी अच्छा चलेगा कम्पेयर टू ऑल द यू नो एंड्रॉयड फोन्स जो इस रेंज में आते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा। मैंने खुद सेकेंड हैंड फोन यूज़ कर रखा है आईफोन का, आईफोन 7 इन 2020 एंड आई नो हाउ वेल इट परफॉर्म्स। सो आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसका प्राइस एक्चुअली जो बेस वेरियंट है 64 GB, उसका प्राइस अराउंड अभी तक रिवील नहीं किया, मैं खोल के बैठा हूँ, ऐप लगातार रिफ्रेश करता जा रहा हूँ। अगर आप एस्टिमेट लगा लो तो आईफोन 11 का बेस वेरिएंट 64 GB आपको 28,000 या 29,000 में आपको मिल जाएगा, विच आई बिलीव इज अ रियली 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 गुड डील। बट सवाल ये आता है कि अगर ये 128 GB होता है, उसका प्राइस कितना ज़्यादा रखता है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, आगे जाके कितना बढ़ेगा। शायद मेरे को लग रहा है कि 5,000 का डिफरेंस आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 5,000 का डिफरेंस आ रहा है तो भी मैं कहूँगा इट्स अ गुड डील, बट इसके बाद वाला जो डील है वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये गुड अच्छा डील नहीं होगा 128 GB वाला। क्यों? बिकॉज आपको मिल रहा है 12 मिनी एट ए प्राइस अंडर 40,000। अब बात यह है कि 12 मिनी का जो बेस वेरिएंट है वो 64 GB है। लास्ट ईयर जो सेल हुआ था बिग बिलियन डे में, लास्ट ईयर 2021, वहाँ पे 128 GB आईफोन 12 मिनी आपको मिल रहा था 38,000 में, विच वॉज क्रेजी। आई मिस दैट डील लास्ट टाइम, एक्चुअली उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं था, बट कुछ महीनों जाके ही रिक्वायरमेंट आया, बट जो भी है। तो सो दिस इज़ द मिनी दैट आई एम यूजिंग एंड दिस इज 64 GB। ये मैं बाद में खरीदा था, वो डील कभी आया ही नहीं, बट इस बार मेरे को लगता नहीं है कि उतना अच्छा डील मिलने वाला है आईफोन 12 मिनी में। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीज़न, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 35,000 तक आपको 64 GB देखने को मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर 35,000 में अगर आपको 64 GB मिल रहा है, देन आई बिलीव सो कि 39-40 सेम रेंज में आपको 128 GB भी मिल सकता है जो लास्ट टाइम अवेलेबल था। अब ये सारी चीज़ें मैं बैंक ऑफर्स इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, बिकॉज बैंक ऑफर्स नहीं लगाओगे तो शायद प्राइस थोड़ा और हाई रहेगा, सो कीप दैट इन माइंड। ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, दैट इज़ नॉट 11 और 12 मिनी, ये तो एक प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं एंड क्वेश्चन आता है कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट आईफोन 13, अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे हो, आईफोन लेने के बाद 4-5 साल आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं अगर आप ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो तो आईफोन 13 का जो बेस वेरिएंट है, लकीली देर इज़ नो 64 GB, तो उसका बेस वेरिएंट ही 128 GB का आता है। सो वंस यू बाय इट फॉर 5 ईयर्स, यू आर डन एंड डस्टेड, काफ़ी बढ़िया फ़ोन चलेगा। मतलब इस फ़ोन के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है एक्चुअली, बट ये फ़ोन आपको मिलेगा अंडर 50,000। दिस इज़ क्रेजी, मतलब ये अगर हो गया आई एम सोल्ड आउट। आपको ये 48,000-49,000, मेरे को लगता है 50,000 के आसपास, मतलब 49,900 समथिंग ऐसे रेंज में आपको मिलेगा आईफोन 13। एंड अगर ये मिलता है, ट्रस्ट मी, बाय इट, बिकॉज इससे बढ़िया डील इट्स लाइक क्रेजी। ओके, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे बैंक ऑफर्स, ये इस बैंक के कार्ड्स चलेंगे लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास नहीं है, टेल योर फ्रेंड, आस्क योर फ्रेंड, रिक्वेस्ट देम मिल जाए कहीं से, बिकॉज वो जुगाड़ करना बहुत इजी है, बट लूजिंग दिस डील वंस, मतलब आप लाइफ टाइम के लिए वो डील लूज कर दोगे, बिकॉज पिछले बार का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। आईफोन 12 मिनी मैं लेना चाहता था, पूरे साल में वैसा ऑफर आया ही नहीं। मेरे एक जान पहचान में एक बंदे ने लिया था, he was like so happy and I was so jealous of him, but iPhone 13 आपको मिलेगा 48-49 या फिर 50,000 के आसपास के रेंज में, 50,000 से थोड़ा नीचे एक्चुअली, 10-20 रुपए कम, so go for that deal। अब आते हैं for those people who already have a lot of money but still are thinking to कितना, जो थोड़ा अगर बचत हो जाए तो बढ़िया है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ iPhone 13 Pro जो 3 कैमरा वाला स्मार्टफोन आता है, वो आपका 90,000 के नीचे आ जाएगा, 88,000-89,000 के आसपास आ जाएगा, द बेस वेरिएंट मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ 128 GB। एंड आपका जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है वो आपको 1,00,000 के नीचे आ जाएगा, जो एक्चुअली में इसका एक्चुअल प्राइस अभी है 1,20,200 रुपये, वो आपको 1,00,000 के नीचे मिलेगा, 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 20,000 या फिर 21,000। सो
गो विद दैट इफ यू हैव द मनी टू बाय इट, अदरवाइज आईफोन 13 इज द बेस्ट डील अमंग ऑल. और अगर आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए बस आईफोन लेना चाहते हो देन आई विल डेफिनेटली टेल यू गो विद द मिनी. आईफोन 11 थोड़ा पुराना हो चुका है, 4G मॉडल है, अच्छा चल जाएगा, बट क्योंकि 4G है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईफोन 12 मिनी इज अ 5G मॉडल एंड यू गोना एंजॉय 5G क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो. सेल 23 तारीख से चालू हो जाएगा फ्रॉम सेप्टेम्बर 23rd 2022 एंड यू गोना एंजॉय इट. बहुत जल्द सब कुछ सोल्ड आउट होने वाला है, तो कीप एन आई, विश लिस्ट करो, बाय इट. और यहाँ तक दे रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ. बहुत सारे लोग आईफोन खरीदने वाले होंगे, बहुत हेल्प हो जाएगा उन लोगों का. अभी मेरे को सेकंड वीडियो बनाना है इसी टॉपिक पे, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे.